देशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, धान गेहूं के बाद अब देश में सभी तरह की दालों का भी बफर स्टॉक हो गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार के मुताबिक देश में 43 लाख टन सभी तरह की दालों का बफर स्टॉक है। फिलहाल दालों का यह स्टॉक पूरे देश के लिए पर्याप्त है, ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं। उनका कहना है कि ऐसे भी हर साल त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों की कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप इन दिनों में बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी सरकार के पास जरूरत से ज्यादा खाद्य भंडार है। रोहित कुमार के अनुसार सरकार के पास इस साल दालों का भंडार पर्याप्त है और इसी के साथ प्याज का भी भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस साल 2022-23 के लिए 2,51,056 मीट्रिक टन प्याज का भंडार है, जबकि सभी दालों का बफर स्टॉक 43 लाख टन है। उनका कहना है कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दालों की मांग ज्यादा होती है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा के बावजूद इम्पोर्ट भी कराया जा रहा है। वहीं मिड डे मील या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने बाजार कीमत से 8 रुपए कम में राज्यों को चने देने का फैसला किया है। लगभग 88,000 टन चना इस योजना के तहत राज्यों को दिया जाएगा। वहीं बीते दिनों केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि बाजार में महंगाई बेकाबू नहीं है, सरकार के पास गेहूं पर्याप्त मात्रा में है। सरकार पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बाजार में अतिरिक्त अनाज उतारेगी। सुधांशु पांडे ने FCI के पास उपलब्ध स्टॉक की डिटेल्स देते हुए कहा कि सरकार के पास सरकारी गोदामों में 205 लाख टन के आवश्यक बफर स्टॉक के मुकाबले 227 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। वहीं केंद्र को अनुमान है कि 1 अप्रैल 2023 को 75 लाख टन गेहूं के आवश्यक बफर स्टॉक स्केल के मुकाबले लगभग 113 लाख टन स्टॉक हो जाएगा। पांडे का कहना है कि FCI के पास उपलब्ध स्टॉक बफर स्टॉक का जो स्तर है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि अच्छी बारिश के बाद गेहूं का उत्पादन और खरीद सामान्य हो जाएगी। वहीं वैश्विक बाजार में गेहूं की कम सप्लाई के मद्देनजर सरकार को निर्यात पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीम।